नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ खास खबरों की ओर। उमरिया पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार के निर्देशन में कोतवाली पुलिस टीम ने भारी मात्रा में गांजे की खेप को जब्त करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जिला जेल भेजा गया है। वही कोतवाली TI सुंदरेश सिंह मरावी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक श्रीमान प्रमोद कुमार सिन्हा के निर्देशन में पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर मौके से आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए आरोपियों के पास से बिना नंबर की एक प्लेटिना गाड़ी, मोबाइल एवं 2 किलोग्राम से ऊपर अवैध मादक पदार्थ गांजे को जब्त करते हुए मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। गौरतलब है कि जिले में मादक पदार्थों को लेकर पुलिस द्वारा आरोपियों पर निरंतर कार्रवाई की गई है एवं अभी हाल के दिनों में भी पुलिस के द्वारा मादक पदार्थ से संलिप्त आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई की गई थी। उमरिया से शंकर सिंह की रिपोर्ट। आज एक मामला प्रकाश में आया है, ये कि उमरिया कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ये कुछ युवा लड़के हैं जो अपनी प्लेटिना मोटरसाइकिल से गांजा लेके आ रहे थे। उसको पुलिस ने बड़ी सतर्कता और मुखबिरी की सूचना के आधार से उनको पकड़ लिया। निश्चित रूप से उमरिया जिले में इसमें गांजा और कोरेक्स और कोडीन का बड़ा खेल आगे बढ़ा है, तो निश्चित और इसके बावजूद भी पुलिस जिस तरीके से सतर्कता के साथ काम करती है वो भी सराहनीय का विषय है। तो जो आज पकड़ी गई है, जो गांजा पकड़ा गया है युवकों से, हम पुलिस से अपेक्षा करते हैं शीघ्र से शीघ्र उसमें चालान पेश करें और दोषियों को दंडित कराने का काम करें। और उमरिया जिले में भविष्य में भी जो बिलासपुर से और इधर कटनी की तरफ से जो और सिहोरा की तरफ से गांजा ज़्यादा आना बताया जाता है उसमें भी कार्रवाई करें और कोरेक्स वगैरह जो बिकता है उसमें भी मेडिकल स्टोर और इन स्टोरों में उनके स्टोर जो है स्टॉक की जांच करें, जिससे कि हमारा युवा वर्ग किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो सके और नशे की तरफ न जा सके, यही हमारा कहना। और पुलिस शीघ्र चालान पेश करे और सजा दिलवाने में अपना कर्तव्य। पुलिस अधीक्षक महोदय उमरिया श्री प्रमोद कुमार सिन्हा के द्वारा लगातार उमरिया पुलिस को अवैध मादक पदार्थ एवं शराब पर अवैध कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त होते हैं। इसी तारतम्य में मुखबिर से सूचना मिली थी कि निगरानी तरफ से बिलासपुर की ओर एक मोटरसाइकिल बिना नंबर में 2 व्यक्ति अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा बिक्री करने के लिए परिवहन करते हुए लेकर जा रहे हैं। इसी सूचना पर तत्काल टीम रवाना होकर के मौके से रेड कार्रवाई की गई, जिसमें एक मोटरसाइकिल बिना नंबर की मोटरसाइकिल में जाहिद खान और मुकेश दोनों निवासी कंचनपुर के द्वारा अवैध रूप से मादक पदार्थ लेकर परिवहन करते हुए पाया गया, जिनके पास से 2 मोबाइल और 2 किलो 100 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा और एक मोटरसाइकिल कुल कीमती 1,00,000 रुपये जब्त किया गया है और आरोपियों की विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय। देखने में आ रहा है कि इस समय जो पुलिस की कार्रवाई है, जो गांजा तस्कर हों या जो नशे का कारोबार करने वाले लोग हैं, पुलिस बहुत मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। आए दिन पुलिस ऐसे केसों को पकड़ रही है, जो मैं नागरिक होने के नाते पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि नशा जो है समाज को खोखला कर रहा है, हमारे युवाओं को गुमराह कर रहा है, हमारे देश के युवाओं को, हमारे बच्चों को अपराध जगत की ओर आकर्षित कर रहा है। तो पुलिस ने ये जो काम किया है और पिछले कई दिनों से ये करती चली आ रही है कि नशे के कारोबारियों को बहुत तत्परता से और उनके खिलाफ बहुत तेजी से कार्रवाई कर रही है, इसके लिए पुलिस धन्यवाद की पात्र है। मैं आशा करता हूँ इसी प्रकार से निरंतरता के साथ पुलिस अपना काम करती रहेगी तो निश्चित रूप से समाज का विश्वास भी पुलिस के ऊपर बनेगा और समाज भी सुरक्षित रहेगा। पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पुलिस कर रही है, इसके लिए